दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ हमारे यूट्यूबर फ्रेंड हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें प्लीज़ SV के वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये कितने वोल्ट का है वो भी बता दें। तो दोस्तों, ये होता है 24 वोल्ट और इसकी दो वायर्स होती हैं, नॉर्मली वाइट और रेड। और SMPS की 24 वोल्ट सप्लाई जो आती है उनके साथ हमने इसको कॉन्टैक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। नॉर्मली जो वाइट मिक्स कम्बिनेशन में है, वाइट और ब्लैक, को हम रेड के साथ अटैच करते हैं इस तरह से। और सेकंड जो है ब्लैक वायर ऑफ SMPS को वाइट वायर ऑफ SV के साथ अटैच करते हैं। देना है ये हमने SMPS की 24 वोल्ट की सप्लाई को वाइट को प्योर ब्लैक ऑफ SMPS के साथ ज्वाइंट किया है, और रेड वायर जो है SV की वो हमने SMPS की मिक्स कलर वाली वाइट और ब्लैक के साथ अटैच कर दी है। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने या तो काली टेप, इंसुलेशन टेप लगा देनी है, या फिर एंड कैप भी आप इस पर लगा सकते हो। एंड कैप दोस्तों इस तरह का होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे जो करंट वगैरह या भीगने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप पंप की आउटपुट भी लगाना चाहते हो तो सेम मैनर में जो रेड वायर है पंप की, ये रेड वायर है दोस्तों पंप की, और ये ब्लैक वायर है। तो ब्लैक को SV की ब्लैक, तो SV की वाइट और SMPS की ब्लैक के साथ अटैच कर सकते हैं आप। दोस्तों ये कंप्लीट वायरिंग होगी SMPS के साथ, एक तरफ SV की रेड और पंप की रेड वायर, और सेकंड जो SMPS की वायर है उसके साथ ब्लैक वायर ऑफ RO पंप और वाइट वायर ऑफ SV। फिर एंड कैप जरूर लगाएं।